एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने मंगलवार को शहरी क्षेत्र में कोरोना जांच केंद्रों पर ड्यूटी पर लगाए गए राजस्व कर्मियों के साथ तहसील के सभागार में बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम सदर ने कहा, कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रतिदिन अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर निःशुल्क जाँच करवाया जा रहा है। जिस जांच का प्राइवेट हॉस्पिटल 2500 रुपए ले रहे हैं, हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। आप लोगों को जागरूक करके जांच की संख्या को बढ़ाना होगा और कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। लोगों से अपील है कि बुधवार को नेपाल क्लब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फर्टिलाइजर, आरटीओ, इंजीनियरिंग कॉलेज, पीएचसी शाहपुर पर पहुंचकर निःशुल्क जांच करवाएं, क्योंकि इस बीमारी का एकमात्र इलाज है केवल जांच कराकर बीमारी को पकड़ लेना और अपने आप को सेव करना ही है। जांच केंद्रों की जगहों को तहसील सदर के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं और वहां पर पहुंचकर जांच को करा सकते हैं। बैठक में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, नायब तहसीलदार सुनीता गुप्ता, राजस्व निरीक्षक प्रद्युमन सिंह, कानूनगो वीर बहादुर सिंह लेखपाल, विमलेश दुबे, राम गुप्ता सहित अन्य लेखपाल व अमीन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार जिला अधिकारी सर के मार्गदर्शन में शहर के सभी 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शहर में जगह जगह पे कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन कैंप में निःशुल्क कोरोना जांच की जा रही है। टेस्टिंग हमारी प्रदेश स्तर में बहुत अच्छी चल रही है और शहर में जो टारगेट जनपद का जो हमें दिया जा रहा है, उस टारगेट से भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सभी हमारे लेखपाल और अमीन दोनों की टीम बनाकर डेली मॉनिटरिंग की जाती है कि शहर में कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव के संपर्क में आया है वो ना छूटे, अगर कोई भी सिम्टोमेटिक व्यक्ति है उसका टेस्ट हो जाए और उसके संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट हो जाए। हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग ही इसका इलाज है। इसी संदर्भ में ये बैठक की गई कि टेस्टिंग को कैसे और एक्यूरेट बढ़ावा दिया जाए। टेस्टिंग हमारे 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पे टेस्टिंग होती है और शाम को हम ये लिस्ट तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज के माध्यम से सभी के साथ साझा करते हैं और आप लोगों के माध्यम, मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों के साथ साझा करते हैं। बृहस्पतिवार को भी
जैसे इलाही बाग में प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे होगी, या दीवान बाज़ार में रविदास मंदिर है वहाँ होगी, जाफरा बाज़ार में रामदेव इंटर कॉलेज है वहाँ होगा, और इसी तरीके से जैसे बिछिया में शाहपुर में है, शाहपुर में शाहपुर PSC पे होगा, नथनपुर में नथनपुर PSC, इसी तरीके से अलग अलग लोकेशन से वहाँ पे वो आपको कल और हमारे तहसील सदर फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इन 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी मुफ्त कोरोना जांच करा सकता है। वही कोरोना जांच अगर प्राइवेट में कराएंगे तो 4,500 रुपये की होती है। शासन के द्वारा इसको निःशुल्क सभी व्यक्तियों के लिए कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इसको वहाँ जाकर अपने जांच कराकर इसकी सुविधा प्राप्त कर सकता है, अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है।